मारो गांधी। देखिए, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लगभग विधानसभा हम लोग भ्रमण में है और आज हम लोग बेंगाबाद का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों के जो रुझान और लोगों की जो बातें सामने आ रही है, लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लोग स्वयं करते हैं कि हमने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस प्रकार जनता की समस्या को दिन भर में लगभग 5 पंचायत का 30 गाँव का दौरा किए और सब जगह से कैसा फीडबैक मिल रहा है, संपर्क से क्या रुझान दिख रहा है? बहुत अच्छा, 100% लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करने का विश्वास दिलाए हैं लोगों को। मैंने बताया आपको, निश्चित तौर पर इसमें कोई और कसर नहीं हम लोग छोड़े हैं। गांडे विधानसभा के साथ साथ कोडरमा लोकसभा में जहां तक हम लोगों का जान पहचान और लोगों से संपर्क हम लोग जा रहे हैं और हर जगह पर एक ही बात आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और जो राम को लाया उसको लाएंगे। और जो नंदकिशोर जी बताए कि हर जगह भाजपा मय है और इसलिए कि जो सनातन के साथ है, सनातन सत्य है और सत्य। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा और कोडरमा लोकसभा अंतर्गत या झलकडीहा पंचायत और चपुआडी पंचायत के बीच का स्थान है जहां पर एक नील कमल नामक होटल है जहां पर चाय के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये लोग दिन भर जनसंपर्क अभियान में व्यस्त थे। शाम को चाय पीने के लिए आए हुए हैं और चाय परिचर्चा बीएनबी के माध्यम से करने जा रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है जनसंपर्क में, कैसा है रुझान, कौन मार रहा है बाजी और क्या चल रहा है शतरंज की चाल, तो देखना यह है कि हम लोग बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर भाजपा किस कदर जीतने जा रही है और कैसे बाजी मारने जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर काफी तादाद में है, परिचय आप लोग बातों बातों में करवा देंगे। धनेश्वर मोहतो जी हैं, आप देख पा रहे हैं, सुरेंद्र बर्मन जी समाज से भी जाने वाले विख्यात, पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव और बोलबम बड़की टाड़ के यहाँ पर है और जिला परिषद के प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, उधर देख पा रहे हैं आप नंदकिशोर जी और मुखिया देवदत्त यादव जी और जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, सरजू गोप जी, रघुनाथ जी और मुखिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से यूं कहे कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से कई बातों का रहस्य उठेगा, कई बातों का पर्दा उठेगा और बीएनबी सच है तो बोलेगा। हम लोग शुरुआत करते हैं धनेश्वर महतो जी से, इनसे जानते हैं कैसा चल रहा है कैंपेन, कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान और कैसे जीतने जा रही है मैडम। आज हम लोग अपने सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश यादव के साथ भ्रमण किया और उसमें गाँव में जब हम लोग गए तो गाँव के लोगों का रुझान काफी बीजेपी की ओर था। छोटा छोटा बच्चा भी नारा मोदी जी का नाम ले रहा था, छोटा बच्चा भी बोल रहा था हम लोग मोदी जी के साथ है, क्योंकि मत का अधिकार जिनको नहीं है कोई बच्चा भी बोल रहा है कि मोदी जी के साथ है। बड़े लोग तो हैं ही और बड़े लोग में जितने महिलाएं हैं वो पुरुष हैं 60 साल से ऊपर वाले उम्र वाले भी जो बूथ पर जा नहीं सकते हैं वो भी बोल रहे हैं हम लोग सब मोदी जी के साथ। बच्चे लोग भी मोदी का नाम ले रहे हैं, कुछ कहेंगे भैया आप? दारा हजरा और लोकसभा सह प्रभारी भाजपा, जो जिस जिन गांवों में हम लोग सुबह से प्रवास कर रहे हैं, जनता का भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम से काफी रुझान है और हम भारी मतों से कोडरमा लोकसभा को जीतेंगे और पिछले लोग मत से जितना जीते थे उसे बहुत और आगे हम बढ़ के जीतेंगे, पिछले से भी ज्यादा जीतेंगे। देखिए, पिछले से भी ज्यादा जीतने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे जीतेंगे मुखिया जी, क्या कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान आप लोग का? अभी जो है क्षेत्र में मोदी जी का नाम सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि महिलाओं में, महिला लोग कह रही थी कि मोदी जी ने जितना हम लोगों को सम्मान दिया वो सम्मान आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है, इसलिए हम लोग पूरे मोदी जी के साथ है और मोदी जी जो राम को लाए हैं हम लोग उनके साथ हैं, जो राम को लाए उनके साथ, इसलिए उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है इस बार जो कोडरमा बीजेपी के हाथों में। रघुनाथ जी को कहेंगे आप? हम लोग क्षेत्र गए और क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोग को देखने को मिला कि सभी वर्ग के लोग, मतलब मुस्लिम वर्ग भी, आदिवासी लोग भी, जो जिसने भी लोग हैं सभी मोदी जी के प्रति सभी के श्रद्धा है और सभी लोगों ने कहा कि हम लोग भारी वोट से माननीय सांसद मोदी अन्नपूर्णा देवी जी को जिताएंगे और देश हित के रक्षा जो कर रहे हैं, राष्ट्र हित के जो मोदी जी ने रक्षा कर रहे हैं उनके लिए वो वोट करेंगे और भारी वोट से यहाँ की सांसद और यहाँ के विधायक प्रत्याशी दिलीप वर्मा जी जीतेंगे।
दोनों जीत रहे हैं क्या? दोनों जीत रहे हैं हम, दोनों जीत रहे हैं, दोनों जीत रहे हैं। सरजू जी थोड़ा आप कहेंगे। आज एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अन्नपूर्णा देवी जी और दिलीप वर्मा गांडे विधानसभा उपचुनाव के चुनाव में हम लोग क्षेत्र भ्रमण किए, सांसद प्रतिनिधि माननीय दिलीप यादव जी के साथ, अन्य लोग भी साथी थे, हमारे सभा के अध्यक्ष भी थे। मतलब पूरे क्षेत्र में आज ही नहीं, हम लोग कई दिनों से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं गांडे विधानसभा के अलावा और जगह पर। दूसरा दल कहीं दिखता नहीं है, इसीलिए निश्चित तौर पर सारे लोग मोदी के साथ है, अन्नपूर्णा देवी के साथ है, दिलीप वर्मा के साथ है। और पिछले चुनाव से ऐसा जो लग रहा है, रुझान जो देख रहे हैं, इसे लगता है कि पिछले चुनाव में जितना अंतर मत से हम चुनाव जीते थे कोडरमा लोकसभा, उससे कहीं कितना अधिक होगा ये कहना मुश्किल है। अधिक होगा, अधिक होगा, पिछले बार से भी अधिक होगा। यहाँ पर और नेता लोग हैं और चाय पर चर्चा है, किधर से जाए थोड़ा देखिए, उधर से जाना पड़ेगा हमको और बात करना पड़ेगा और लोगों से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर नंद किशोर जी से जानेंगे, बड़ा करीबी रहते हैं ये नेता लोगों के बीच में। कैसा चल रहा है नंद किशोर जी? भाजपा मय है, भाजपा मय है, भाजपा मय है, पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र भाजपा मय, भाजपा मय। देवधर जी, आज तो हम लोग क्षेत्र भ्रमण में निकले थे, हम लोग इधर भी गए, यहाँ भी जिस गांव में घूमे, सभी जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और मोदी जी के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, अन्नपूर्णा देवी और दिलीप वर्मा को एकदम अपार समर्थन देके भारी मतों से विजय बनाने का सभी लोगों ने एकदम एक साथ एक स्वर में आवाज दिया और सभी जनता को हम लोगों ने इसके लिए बहुत आभार प्रकट किया। जीतने की बात कह रहे हैं सभी नेता, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीत तय है। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे प्रखर प्रवक्ता हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं जयप्रकाश मंडल जी, इनसे जानेंगे कैसा चल रहा है रणनीति आपका जनसंपर्क अभियान। सभी हमारे लोगों ने, साथियों ने बताया आपको, निश्चित तौर पर इसमें कोई और कसर नहीं हम लोग छोड़े हैं। गांडे विधानसभा के साथ साथ कोडरमा लोकसभा में जहां तक हम लोगों का जान पहचान, आप लोगों से संपर्क, हम लोग जा रहे हैं और हर जगह पर एक ही बात आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और जो राम को लाया उसको लाएंगे। और जो किशोर जी बताए कि हर जगह भाजपा मय है, और इसलिए कि जो सनातन के साथ है, सनातन सत्य है और सत्य के साथ सारे लोग चलना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग, हम लोग किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, किसी राज्य और स्टेट की बात नहीं करते हैं, हम लोग सीमा और जाति और दायरा नहीं बांटते हैं। और आज देखेंगे हमारे मोदी जी ने किसी जाति को इग्नोर नहीं किया है, अगर वो आवास दिए तो सभी जाति के लिए दिए, अगर किसान सम्मान निधि की योजना दिए तो सभी भारतवासियों के लिए दिए, अगर उन्होंने स्मार्ट कार्ड, जो स्वास्थ्य कार्ड मैंने दिए तो सभी लोगों के लिए दिए, अने जितने भी तरह गैस कनेक्शन का जो योजना दिया सभी लोगों के लिए दिया, अने कि जितने तरह का जन कल्याणकारी योजना अभी फ्री में, सभी धर्मों को फ्री में 80 करोड़ लोग, आप जीत कैसे रहे कोडरमा, ये बताइए। फ्री में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया करा रहे हैं, पहले भी किए, अभी भी आगामी 5 साल के लिए घोषणा किए हैं, लगातार जारी है। तो ये आदमी सभी के, पूरे भारतवासियों का नेता के रूप में उभर चुके हैं, विश्व का सर्वाधिक माने संपन्न और क्या उसको बोलते हैं, टॉप नेता के रूप में उभर चुके हैं। हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जो हम एक मत देते हैं, मेरा प्रधानमंत्री पूरा विश्व में अपना डंका बजाने जा रहा है। तो ये मौका हम लोग चुकने वाले नहीं है, इसको हम लोग चौका और छक्का लगा करके उनको पार्लियामेंट भेजेंगे, जो यहाँ का प्रत्याशी उनको भी भेजेंगे। और मोदी को जो नारा है, अब की बार 400 पार फिर से एक बार मोदी सरकार, यह सपना हम लोग रात को कौन पूछे दिन को साकार करके दिखाएंगे और गांडे विधानसभा उपचुनाव भी दिलीप वर्मा को डंके के चोट पर जिताएंगे, ताकि यहां पर सुशासन की सरकार और झारखंड में जनता सुख चैन से रह सके। यहां जो लुटेरी सरकार, आप देखे होंगे कि बीते दिन नोट का बंडल लाखों लाख हजारों हजार करोड़ जो मिल रहा है, यहाँ की जनता का गाड़ी कमाई लूट करके रखने वाली सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पर जैसे को कहावत नहीं बोला है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, चोर बेईमान घुसखोर की दलाल की सरकार झारखंड के बदल दो, तो ये बात हम लोग साकार करके बदलने जा रहे हैं, एकदम बदलने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं का कहना है कि इस बार तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सरकार बदल दो, देखना अब यह है कि बदलते कैसे हैं। यहाँ पर पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी हैं और भाजपा के मंत्री भी हैं, हम लोग इनसे जानेंगे कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान, बताइएगा।
आज तो हम लोग दिन भर में लगभग 5 पंचायत का 30 गांव का दौरा किए और सब जगह से कैसा फीडबैक मिल रहा है, संपर्क से क्या रुझान दिख रहा है? बहुत अच्छा, 100% लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करने का विश्वास दिलाए हैं लोगों को। हर तरीके से हम लोग क्या लग रहा है, दोनों लोकसभा विधानसभा दोनों फतेह करने जा रहे हैं? दोनों एक साथ वोट दोनों पड़ेंगे और बराबर वोट पड़ेंगे, बराबर वोट पड़ेगा दोनों, मतलब मारने जा रहे हैं बाजी यार दोनों। तो देख पा रहे हैं दोनों बाजी मारने की बात कही जा रही है। आप बताते चलें कि विख्यात समाज सेवी सुरेंद्र बर्मन जी जो भाजपा के अभी नेता भी हैं हमारे बीच आज मौजूद है और इनसे हम लोग खास बात करेंगे कैसा चल रहा है। कल ये पथ सभा में बहुत अच्छा सभा इनका चल रहा था, आज इनसे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी के पास, दोनों यहाँ मौजूद है, लगभग बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद है। कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान भैया अभी आपका? जनसंपर्क विभाग प्रचार तो बहुत अच्छा जोड़ों पर चल रहा है और जिस जिस गांव में जाते हैं हम लोग को बताना नहीं पड़ रहा है कि मोदी जी ने क्या किया है, लोग खुद बता रहे हैं कि मोदी जी ने ये विकास, मतलब जनता ही ये बोल देती है, बोल देती है। अब पूरा रुझान है, हमको लगता है कि दोनों सीट हम लोग निकालेंगे, दिलीप वर्मा विधानसभा लगता है कि निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। कैसे लोकसभा? लोकसभा तो भारी मतों से निकालेंगे और जो विरोधी सभा भारी मतों से निकालेंगे, विधानसभा में गड़बड़ गई, दोनों भारी मतों से निकालेंगे, दोनों भारी मतों से निकालिएगा। कैसा लग रहा है, जनता कह रही है कि आप लोग, हम लोग एकदम कह रही है कि कोई जरूरत नहीं बोलने का। अब हम लोग झंडा भी लगा चुके हैं, देखिए आपके आने से पहले झंडा लगा लिए, सब जगह हम देखे झंडा लगा हुआ है, जनता का रुझान है, पूरा रुझान है, पूरा रुझान है। और सुनने में आया कि एक विरोधी ताकत जो है वो वोट मांगने चल मांग रहे हैं, घर घर घूम के हिंदू का वोट मांग रहे हैं, सनातन धर्म का वोट मांग रहे हैं और टीका नहीं लगा रहे हैं, हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। अब वो वोट वो लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू का टीका नहीं लगा रहा है, जो हिंदू का अपमान कर रहा है उसको कतई वोट नहीं देंगे, वो लोग को चढ़ने नहीं देंगे, ऐसा कर बोला है। कौन विरोधी नहीं टीका लगा रहा है, कौन नेता है? विरोधी दल का नेता है जो लोकसभा में खड़ा है, लोकसभा में जो खड़ा है। देखिए खुल करके बातें नहीं आ रही, लोकसभा में खड़ा है तो आपके विपक्षी दल तो ये झामो गठबंधन इंडिया गठबंधन के है नेता है क्या? तो लोग को नाम लेना पाप है, नाम लेना भी पाप है। तो देख पा रहे हैं बात यहाँ ये है कि टीका जो नहीं लगा रहे, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं सुरेंद्र बर्मन जी का कहना है, और साथ में यह भी कहना है कि जनता कह रही है कि जो सनातन के साथ नहीं है तो हम उनके साथ कैसे रहेंगे। हम लोग चल करके बात करेंगे जिला सांसद प्रतिनिधि और अभी लगातार जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्षेत्र से क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसे गांडे और लोग कोडरमा लोकसभा को जीतने जा रहे हैं, इन्हीं से हम लोग क्लियर करेंगे और बात करेंगे। जी चैनल में हमारा आपका स्वागत है, कैसे जीतने जा रहे हैं कोडरमा और गांडे? देखिए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लगभग विधानसभा हम लोग बर्मन में है और आज हम लोग बेंगाबाद का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों के जो रुझान और लोगों की जो बातें सामने आ रही है, लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लोग स्वयं करते हैं कि हमने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस प्रकार जन जन की समस्या को निदान करने का काम किया है, जैसे क्या निदान किए हैं, बोले क्या निदान नहीं किए हैं, जिनका आवास नहीं था उनका आवास दिया, जिनको शौचालय नहीं था शौचालय दिया, जिनको बीमारी से ग्रसित था वैसे व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था करवाया, किसानों को मुआवजा दिया ताकि आप अपने रोजगार अपने खेती बाड़ी करने में किसी बार दिक्कत, लेकिन राज्य की सरकार बदलते ही यहाँ पर जो किसानों को जो लाभ मिला था उससे भी वंचित किया, इसलिए जनता में भारी असंतुष्ट है कि इस बार हम लोग मोदी जी सरकार को लाएंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लोगों का एक ही कहना है कि आप बताइए मत, मोदी जी लोकप्रियता है उनकी हम लोग देख रहे हैं और साथ साथ अपने सांसद महोदया लगातार उनका क्षेत्र का भ्रमण कोविड के समय से अभी में भी कई बार भ्रमण किए हैं, उसके बाद लगातार जनसंपर्क में बनाए रहे और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने ट्रेन इंटरसिटी ट्रेन चालू करवाए, जो यहाँ की जनता यहाँ गिर 150 साल हो गया था बने हुए, लेकिन कोई ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट नहीं खुलता था। आज अपने सांसद महोदया के प्रयास से और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सहयोग से आज समझिए आज हमारे गिरिडीह से रांची चल जाने के लिए पूरी व्यवस्था हुआ। सरिया में जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था फ्लाईओवर का, जो आए दिन घंटा दो घंटा खड़ा खड़ा बच्चा लोग जो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, कोई बीमारी कई लोग तो हम मृत्यु हो जाएगा, लेकिन उस समस्या का निदान भी माननीय सांसद महोदया
ने अपने प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनको अपनी बात को रखा और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और देखिए शिलान्यास हो गया, काम चालू है। ये आपकी पार्टी में बड़ा चर्चा चल रहा है टीका लगाने वाली बात, क्या है और क्या है मामला? देखिए टीका लगाने वाली बात है, जो कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सनातन के धर्म के लोग भी हैं, और जो व्यक्ति अपने आप को सनातन को अगर घर में जन्म लेकर ये बात कहता है कि हम नहीं मानते टीका नहीं लगाता, ये गलत बात है। आप उसी जनता के पास वोट मांगने जा रहे हैं जो सनातनी धर्म है। आप एक तरफ कहते हैं हिंदू हिंदू के परिवार से है, तब हिंदू परिवार से है तो हिंदू परिवार का जो है संस्कार उसको तो मानना ही होगा। ये बाप को ये नहीं कहा कि जबरन लगाना, आपको भाई लगाना चाहिए। जो आप दूसरे मतदाता को वोट मांगने जा रहे हैं आप हिंदू समाज में, तो उसका आप अपमान करिएगा कि हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम टीका नहीं लगाएंगे, तो फिर आप जनता के बीच मत रहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सभी समुदाय को लेकर चलना है, और हम उसी समुदाय से है जिससे ये सनातन धर्म आता है। उसके बाद भी इस प्रकार का भेदभाव करके लोगों में जो भार फैलाते हैं, ये दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन जिस प्रकार लगातार विकास का काम करते हैं, उस पर विकास पर विश्वास करते हैं, ये लोग दिग्भ्रमित कर लोगों को वोट लेकर जनता को ठगने का काम करते हैं। तो जनता आने वाले समय में 20 तारीख को चुनाव है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगी जनता का। हमने ये बात पूरे क्षेत्र में सुना कि उनका टीका लगाने की बातें लोग जो कह रहे थे, सारे लोगों में विरोध है कि एक तरफ हमारे एक प्रधानमंत्री है जो हमारे 5 साल से जो समस्या देश में था राम मंदिर का, जो हमारे कई पूर्वज मर गए खप गए, वो नहीं हो पाया हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अवसर मिला काम करने को, उन्होंने राम मंदिर कौन टीका नहीं लगाया महोदय, बताएंगे थोड़ा क्लियर करेंगे कौन टीका नहीं लगाया? अब लोग कह रहे हैं जो हम लोग क्षेत्र में गए, लोग कह रहे हैं कोई प्रत्याशी हमारे बीच में ऐसा आया है जो इस प्रकार की बातें आ रही है, तो ये आप लोग देखना समझना है कि कौन प्रत्याशी ऐसा कर रहे हैं। संज्ञान का चीज यार हमारे कई करना है, लोग करना है कि हम जो राम को लाए हैं उनके साथ जाएंगे, क्योंकि राम को लाने में 500 साल तक कई पार्टियों की सरकार बनी, कई लोग कहा लेकिन कोई काम नहीं कर पाए। लोग प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं और उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि खाली आपका राम मंदिर की समस्या नहीं, 370 हो, कश्मीर की समस्या हो, सब समस्या का निदान कोई कर पाया है तो 10 वर्षों के अंदर में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें। इसे देश की जनता को कई कहना है कि हम लोग वोट हो, आप बोल रहे अब की बार 400 पार, एक फिर से एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जनता का हम लोग बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ खड़ा करते बोले बोलिए मत भैया, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी ने आज हमें वो चीज दिया है जो हमारे कई पूर्वज खप गए नहीं कर पाए थे, वो हमारे मोदी जी की सरकार में हुआ है। इसलिए हम लोग तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाएंगे और उनको कार्य करने का अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी। ये सस्पेंस में क्यों रखा जा रहा है कि टीका किसने नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया, ये क्लियर कहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए पूरा देश में भक्तिमय है, देश के पूरा भक्तिमय है, राम मेरा बात है, देश में काम करने वाले लोग पर विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के आचरण रखते हैं उनका आप देख रहे हैं पूरे राज्य में या पूरे देश में क्या परिस्थिति है। नहीं किसने टीका नहीं लगाया ये थोड़ा पर्दाफाश करें, क्लियर करें स्पष्ट। यहाँ तो एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया है, एनडीए वाले टीकाधारी हैं। अच्छा, एनडीए वाले टीकाधारी हैं। हाँ, तो बाकी जो सामने है वही इंडिया वाले प्रत्याशी नहीं लगाए, क्लियर करें स्पष्ट करें। जो आप ये समझ रहे तो जनता आप तो लाइव देख रहा है, सब देख रहा है, उसमें देखिए बताइए, हम तो कह रहे हैं कि एक ही प्रत्याशी है, बाकी तो लोग हैं। अभी देखिए अभी एक प्रत्याशी और आया है, पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में कार्य कर रहे थे, चुनाव हार गए, पार्टी कहा आप घर से काम संगठन काम करो, आपको आने वाला समय फिर अवसर मिलेगा, फिर अवसर मिलता, लेकिन वो घर से काम नहीं लिया और चल गए झारखंड मुक्ति मोर्चे में, वहां से भी तो निलंबित कर दिया गया। बताइए उसको निलंबित तो होना ही है, जो व्यक्ति अपना घर का नहीं है दूसरे के घर में कैसे रह पाएगा? वो रहा कि आप उसको यूज कर रहा, आप उसको सिर्फ यूज कर रहा है वोट कटवा के रूप में, वोट कटवा बना के उसको रखा है, एक प्रत्याशी और भी है, दोनों का यूज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जा रहा है वोट कटवा के रूप में, जितना आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सको। तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ ऐसे प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी के वोटरों का कोई प्रभाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है, मोदी जी गारंटी पर विश्वास है, इसे वोट कटवा आएगा और जाएगा, ये लोग कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में 20 तारीख सभी लोग मतदान करेंगे, और सभी से मेरा आग्रह है कि सर के सारे काम पहले छोड़कर पहले मतदान करें फिर जलपान करें।
तो देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के पर्दा हटा नहीं, लेकिन बातों बातों में बहुत बड़ी बात आरोप लगाया गया है विरोधी दल पर भाजपा नेताओं के द्वारा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि वोट कटवा आ गया है मैदान में, उनसे भी लोग सावधान रहे और भाजपा को चुने। तो निश्चित रूप से जो आप देख पा रहे थे चाय पर चर्चा चल रही थी, आगे भी बीएनबी इसी तरह आप लोग को दिखाती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।